चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 26 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। पार्टी ने इस लिस्ट में कई विधानसभाओं पर प्रत्याशियों को बदल दिया है तो कहीं कहीं पर बागी प्रत्याशियों को मौका मिला है। बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बीएसपी में आए सुभाष शर्मा को चित्रकूट से टिकट दिया है। वहीं पथरिया से विधायक रामबाई को दोबारा टिकट मिला है। बीएसपी ने मुरैना की जावरा विधानसभा सीट से सोनेराम कुशवाहा को टिकट दिया है। कहा जाता है कि इनका इस सीट पर अच्छा खासा दबदबा रहा है। वहीं अगर राजनगर सीट की बात की जाए तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले यहां पर बीएसपी से रामराज पाठक प्रत्याशी थे, लेकिन अब उनकी जगह पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गाजीराम पटेल को टिकट मिला है। इसके अलावा कई अन्य प्रत्याशियों को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। रामबाई सिंह को पथरिया से, सोनेराम कुशवाहा को जोरा से, सोनेराम धाकड़ को सबलगढ़ से, डॉक्टर रामवरण सिंह को अंबाह से टिकट मिला है। वहीं महेश कुशवाहा को विजयपुर से, राजू चौधरी को भांडेर से, हृदेश कुशवाहा को खरगापुर से और घासीराम पटेल को राजनगर से टिकट दिया गया है। बीएसपी ने डीलमणि सिंह को छतरपुर से, महेंद्र गुप्ता को विजावर से, सुभाष शर्मा और डॉली को चित्रकूट से, रामायण साकेत को मनंगवा से, रानी वर्मा को सिहावल से और विजय कुमार बिरसा को जैतपुर से टिकट दिया है। इसके अलावा इस लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में दांव खेलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।